वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कोड़े के नेतृत्व में शिवपुरी शहर के सारे वाल्मीकि समाज के लोग विनोद खरे वाल्मीकि सफाई कर्मचारी और नगरपालिका परिषद शिवपुरी के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए एक आवेदन लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। स्वर्गीय विनोद खरे पुत्र अशोक खरे की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी और मृत्यु की लाश करबला के पास पुलिस को मिली, जिसका शव परीक्षण सुबह शिवपुरी में हुआ, जिसकी FIR पुलिस थाना फिजिकल में दर्ज है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से हत्यारे फरार है। इस संबंध में सारे वाल्मीकि समाज के लोग एक मत होकर शिवपुरी SP को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्योंकि उसमें क्या है कि वो आदमी इतना सीधा था कि ना तो किसी से उसकी कोई लड़ाई थी और ना उसका किसी से ऐसा भी नहीं था कि किसी को वो बदले में गाली भी दे दे, लौट के कोई उसको जूता भी मार दे तो उसका भी वो जवाब दे दे, तो वो ऐसा भी आदमी नहीं था। ये बात तो आ रही कि झगड़ा तो ऐसे कहीं किसी हाँ आज हमारे द्वारा शिवपुरी के समस्त वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन दिया है। 18 तारीख को वाल्मीकि समाज के नगरपालिका के सफाई कर्मचारी विनोद खरे की हत्या हो गई थी और उसकी पुलिस को लाश जो है करबला पे मिली। उस सिलसिले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी भी प्रकार से हत्यारे अज्ञात चल रहे हैं। यही निवेदन लेके वाल्मीकि समाज आज SP साहब से मिली है और उन्होंने कहा है कि क्या आवेदन दिया SP साहब ने? आवेदन दिया है ना SP साहब को, क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन ये दिया है SP साहब ने कि बहुत जल्दी हम इस अपराध का खुलासा कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।